हेलो ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज का रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बाकी रेसिपीज़ की तरह। तो इस रेसिपी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। रेसिपी का नाम है चिकन कीमा पकौड़ा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान रेसिपी है और वो हम आज बनाने वाले। तो देर नहीं करते हैं, जल्द से जल्द जाते हैं और ये रेसिपी को बनाते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन कीमा ले लिया है और 1 कप बेसन मैं इसमें डाल रही हूँ। चिकन कीमा को अच्छे से हम साफ़ कर लिए थे। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट इसको कहते हैं। साथ में हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक, जो कि एकदम स्वाद अनुसार है। डाल रहे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, अब हम इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, एक मीडियम साइज के ओनियन को चॉप किया हुआ और 2 हरी मिर्च हम डाले हैं। आपके जो स्पाइसी खाने का तरीका है उस हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं। मिक्स हो जाएगा तो इसको हम ढक्कन लगा के 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। दस पंद्रह मिनट हो चुका है। कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल चुके हैं। सरसों का तेल हम इसलिए यूज़ करते हैं पकौड़े इसके लिए, सरसों का तेल में अगर हम पकौड़ा बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। वाइट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरसों का तेल का अलग ही एक गुण होता है, ये हेल्दी भी होते हैं वाइट ऑयल से। सो एक एक करके हम स्पून से छोटा छोटा करके इसका टुकड़े जो है बैटर का डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से दोनों साइड से हम फ्राई कर लेंगे। याद रखिएगा फ्राई करने का टाइम, इसका फ्लेम को एकदम से हाई मत रखिएगा तो अंदर अच्छे से ये पकेगा नहीं। लो से मीडियम में रखिएगा ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। टेक योर टाइम और अच्छे से दोनों साइड को फ्राई कर लीजिए। फर्स्ट राउंड का जो पकौड़ा है ये मोस्टली बन के तैयार है, इसे हम अभी निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये अब निकाल ले रहे हैं और बाकी जो बैटर है उससे हम बाकी का पकौड़े तल लेंगे। सेम प्रोसेस में दोनों साइड को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लीजिए हमारे गर्मा गर्म चिकन कीमा पकौड़ा बनके बिल्कुल तैयार है। ये भी एक स्नैक्स की तरह ही है, आप छुट्टी वाले दिन में या वीकडेज में भी जैसे भी आपको लगे आप इसे बना सकते हैं, इवनिंग के टाइम में बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, स्नैक के तरफ से आप इसे खा सकते हैं। लीजिए चिकन कीमा पकौड़ा बनके बिल्कुल तैयार है। इसे बनाइए और इसे ज़रूर शेयर करने भूलिएगा मत अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी का मज़ा उठा सके। तो है ना इंटरेस्टिंग सा रेसिपी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल बटन प्रेस करने बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को भूलिएगा नहीं और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट रेसिपी का, जो कि हम बहुत जल्दी आपके सामने लाने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। तो आज चलते हैं, फिर बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय।